हनुमाना जनपद पंचायत के खटकरी पंचायत सचिव पर 60 लाख से ज्यादा का भ्रष्टाचार की शिकायत पर जनपद सीईओ ने उपयंत्री से एक हफ्ते में जांच कराकर प्रतिवेदन देने के लिए कहा। प्रतिवेदन मिलने के बाद होगी कार्यवाही। हनुमाना जनपद पंचायत के खटखरी पंचायत सचिव पर 60 लाख से ज्यादा के भ्रष्टाचार की शिकायत पर जनपद सीओ ने उपयंत्री से एक हफ्ते में जांच कराकर प्रतिवेदन देने के लिए कहा। प्रतिवेदन मिलने के बाद होगी आगे की कार्रवाई। हम आपको बता दें, हनुमाना जनपद पंचायत के खटखरी के पंचायत सचिव पर लगे 60 लाख रुपए से अधिक बंदर बांट करने के आरोप, जिसके चलते जनपद सीओ ने उपयंत्री से मांगा जवाब, जांच कर एक हफ्ते में प्रतिवेदन देने के लिए कहा। प्रतिवेदन मिलने के बाद कहीं कार्रवाई करने की बात। हम आपको बता दें, कहीं पर काम ही नहीं हुआ तो कहीं आधा अधूरा काम, पैसे पूरे निकाल लिए गए, कुछ इस तरीके की शिकायत की गई है हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खटकरी में। भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जहां पर गांव के लोगों ने सचिव रामाश्रय उपाध्याय पर 60 लाख से भी अधिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गांव के ही निवासी प्रदीप शर्मा ने अपने ग्राम पंचायत सचिव पर कई लाख रुपए बंदर बांट करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई करने के लिए जनपद पंचायत हनुमाना के सीओ अजय सिंह को शिकायत पत्र दिया है। जनपद पंचायत सीओ ने जांच के लिए उपयंत्री को निर्देशित किया है, तत्काल ही जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, इसके लिए उन्होंने एक हफ्ते का वक्त भी निर्धारित किया है। एक और जहां सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में समय समय पर कार्रवाई की जाती है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारी को किसी का भी खौफ नहीं होता। रीवा जिले के ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उस पर कभी कभी कार्रवाई होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में भ्रष्टाचारी बचकर निकल जाते हैं। अक्सर देखने में आता है, जब कभी ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा सचिव या सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कार्रवाई करने की शिकायत की जाती है, तो उसमें भी हीला हवाली कर दी जाती है। भ्रष्टाचारी कोई न कोई उपाय खोज कर बच कर निकल जाता है। ऐसा ही एक मामला रीवा के हनुमाना जनपद पंचायत के खटकरी में देखने में नजर आया, जहां पर ग्राम पंचायत के रहने वाले प्रदीप शर्मा ने अपने ग्राम पंचायत सचिव पर 60 लाख से ज्यादा अधिक रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जांच कर कार्रवाई करने की शिकायत भी दर्ज कराई है। उसके लिए उसने कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ को कई बार शिकायत पत्र सौंपा है, लेकिन अब जांच होने की बात अब आकर तय हो गई है। सचिव पर आरोप लगाया गया है कि उसने ग्राम पंचायत में बने शासकीय हाई स्कूल कन्या में बाउंड्री वाल तो बनाई नहीं, बाउंड्री वाल के नाम पर 3 लाख रुपए निकाल लिए। साथ ही कई ऐसे काम है जो जमीनी स्तर पर नहीं कराए गए, लेकिन उसके पैसे निकाल लिए गए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कार्यालय से लेकर तहसील कार्यालय तक कर चुकी हैं, लेकिन अब तक भ्रष्टाचारी सचिव पर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हनुमाना जनपद पंचायत के सीओ अजय सिंह ने उपयंत्री को शिकायत पत्र के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। उपयंत्री से एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन मांगा है। जनपद सीओ का कहना, शिकायत के आधार पर जांच कराई जा रही है, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कहना है। यह प्रदीप शर्मा और एक दो लोग और आए थे, उन्होंने खटकरी ग्राम पंचायत के लिए यह एक पत्र दिया है और शिकायत किया है 4-5 कार्यों के लिए। तो हमने श्री वैभव मिश्रा उपयंत्री को वह दे दिया है, एक सप्ताह में जांच करके रिपोर्ट देंगे। मैंने यही शिकायती आवेदन ही आया है, अभी उसको जांच कर लेते हैं। अगर सचिव दोषी होगा तो उसके लिए, उसके जगह दूसरे सचिव के लिए वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया जाए।